हाँ जी स्टूडेंट्स, सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लस वन क्लास, दैट इज सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो बच्चे, मिनरल न्यूट्रिशन के अंडर क्लास प्लस वन का ये टॉपिक है, और जो प्लस टू के बच्चे हैं उनके चैप्टर में भी ये वाला टॉपिक आएगा क्लास प्लस टू में। ठीक है, आपने एप्लीकेशंस करनी है बायो फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, तब आपने ये वाला टॉपिक करना है। तो इससे पहले मैंने नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाई है, तो अब हम कर रहे हैं सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर प्लस वन एंड प्लस टू क्लास। तो नेक्स्ट अभी बड़ी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में अगर ये टॉपिक आता है तो आप बच्चे ध्यान से इसको देख सकते हो। तो हमारे पास जो टॉपिक है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो सिम्बियोटिक का मतलब मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया अभी कि सिम्बियोसिस, सिम्बियोटिक क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग ग्रुप को स्पोर्स बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे एल्गी एंड फंजाई ले लेंगे, जब ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, साथ में इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं कि फलीदार प्लांट्स, जैसे जिनके अंदर फलियां, जैसे पी हो गया, पी मटर का प्लांट वैसे हो गया। तो इसके अंदर हमने ये वाले डायग्राम्स भी करने हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि डायग्रामेटिक ये क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक आते हैं, तो आपने डायग्राम्स भी इसको ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी करेंगे इसके अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो लिख रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम है। ध्यान से करना है, वेल नोन जो है बैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया विच इज वेरी हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन केस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लिख रहे हैं कि राइजोबियम नेम का एक बैक्टीरिया, वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया छोटा सा बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो सपोज ये प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, तो ये इसकी रूट्स हैं, ये रूट्स है इसकी, तो इस रूट्स में ये वाला बैक्टीरिया रह रहा है, ये वाला राइजोबियम नेम का बैक्टीरिया ये रह रहा है, ये वाला। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया, ये मैंने ये ब्लू कलर के बनाए, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जो इस पेड़ के साथ रह रहे हैं, इस प्लांट के साथ रह रहे हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इस प्लांट्स के बाहर रहकर नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, इन बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले रूट के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, जब रूट के अंदर एंटर करेंगे, इस प्लांट्स के अंदर एंटर हो गए, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेगा। अब इसके डायग्राम कैसे बनाने हैं, इसको कैसे हमने एक्सप्लेन करना है, कैसे लिखना है, कैसे लर्न करना है, तो बच्चे आओ हम देखते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास, थ्योरी करने से पहले अब हम ये करते हैं, सपोज ये आपने जैसे लास्ट वाले चैप्टर्स में किया था मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, एंड एनाटॉमी आपने टीएस ऑफ रूट की थी, टीएस ऑफ स्टेम, डायकॉट रूट, डायकॉट स्टेम, ऐसे किए ना, तब आपको अगर याद होगा टीएस ऑफ रूट का डायग्राम, तब आपने पढ़ा होगा कि हाँ जी ऐसे सेल्स होते हैं, ये हमारे पास एपिडर्मिस क्लियर है और ये है रूट हेयर। तो ये जो बड़े बड़े वाले, ये वाले, ये है पत्थर, ये वाले, ये है पत्थर कंकर, ठीक है, तब ये वाले जो हैं, ये छोटे छोटे वाले, ये इसके अंदर है येलो वाले, सपोज ये है बैक्टीरिया, ठीक है बैक्टीरिया। तो क्या हो रहा है बच्चे, ये जो रूट हेयर के बाहर बैक्टीरिया पड़े हैं, ये बाहर रहकर नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, रूट हेयर के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे बी डायग्राम में देखो इनवेजिनेशन पॉइंट लिखा है, इनवेजिनेशन पॉइंट किस रूट हेयर के ऊपर, ये इसको कट कर देगा, ठीक है, ऐसे सपोज वाउंड कर देगा, कट कर देगा, जिस पॉइंट के ऊपर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया कट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनवेजिनेशन पॉइंट, क्योंकि ये जो ऐसे वाला पॉइंट है जहां जिसकी हेल्प से ये वाला बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा रूट हेयर के अंदर। तो सी डायग्राम देखो, ये वाला, तो सी डायग्राम में क्या हो रहा है बच्चे, ये वाला हेयर, तो यहां पर क्या हो रहा है, जब ये वाला बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर एंटर कर गया तो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, इन्फेक्शन थ्रेड, ये वाला इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, तो अंदर क्या आ गया, ये वाला बैक्टीरिया आ गया। तो जब इन्फेक्शन थ्रेड बनना स्टार्ट हो गया तो फिर दोबारा ये क्या करेगा, इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ग्रो करके बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, ये जो बैक्टीरिया बना रहा है, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बन रहा है ये बैक्टीरिया ही बना रहा है राइजोबियम नेम का बैक्टीरिया, क्योंकि ये रूट हेयर के अंदर चला गया, रूट हेयर के अंदर जाने के बाद ये इन्फेक्शन थ्रेड बनाना स्टार्ट कर देगा, इन्फेक्शन थ्रेड बनाकर ये बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। अब ये है नेक्स्ट वाला, जब ये अंदर जाएगा,
ये तो जैसे बाहर वाली जो लेयर है ये बताइए कि ये एपिडर्मिस लेयर है, उसके बाद कॉर्टेक्स आता है, एंडोडर्मिस आता है, पेरिसाइकली, ये वो आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा ये वाला। अंदर तक जाकर बच्चे ये एक बिल्कुल फ्लफी सा स्वेलो टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रूट नड्यूल, जो हमारा लास्ट प्रोसेस है, लास्ट जो मेन बनना चाहिए। जब लास्ट में रूट नड्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, इट मीन्स जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चे डायग्राम ऑफ हाउ अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो आपने ये वाली थ्योरी भी बच्चे ध्यान से करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, राइजोबियम नेम का बैक्टीरिया ये वाला। ठीक है, तो किन प्लांट्स में, किन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये वाला नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, अल्फा अल्फा पी बीन्स वगैरह हो गया, ये वाला हो गया। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये वाला बैक्टीरिया राइजोबियम नेम का बैक्टीरिया सॉइल के अंदर, सॉइल के पास ग्रो करना शुरू कर देगा, किसके नियर, किसके नजदीक, रूट ऑफ सॉरी हायर प्लांट्स के, जो हायर प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, पी प्लांट्स हैं, उनकी रूट हेयर के पास ये वाला जो बैक्टीरिया है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने यहां पर देखा, जब पता ही है कि ये धीरे धीरे क्या करेगा, उस रूट हेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आकर डेफिनेटली उसके अंदर वो एंटर करेगा, एंटर करने के लिए उसको डेफिनेटली कोई ना कोई जगह चाहिए, तो वो क्या ढूंढेगा, ये वाली, उसको वाउंड कर देगा, इन्वेजिनेशन पॉइंट बना देगा, जिसकी हेल्प से ये वाला बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर करेगा, या एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा, वो वाले एंजाइम्स करेंगे, रूट हेयर के पार्ट को डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो वाला बैक्टीरिया जो बाहर है वो अंदर एंटर हो जाएगा। अंदर एंटर होने के बाद वो इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के बाद बिल्कुल ज्यादा अंदर एंटर हो जाएगा, तब क्या बनाएगा, रूट नड्यूल। ठीक है, रूट नड्यूल बनाने के बाद बच्चे इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो ऐसे, ये चीज, फिर ये सेक्शन बनाना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारे अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। तो एक कॉलोनी में कितने कितने सारे रह रहे हैं बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोइड्स। तो ये चीज बनानी स्टार्ट कर देगा ये वाला। ठीक है, रूट नड्यूल, तो रूट नड्यूल बनाने के बाद बच्चे नेक्स्ट आपने लर्न करना है, इसके अंदर आपने पिगमेंट करनी है, लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन नेम की जो पिगमेंट है उसका कलर कौन सा होता है, रेड। ध्यान से करना, जो नड्यूल का कलर रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, किस पिगमेंट की वजह से, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से, तो कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस के साथ, इस वजह के साथ, जो प्लांट्स के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, हर प्लांट्स के उसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया जाएगा, रूट नड्यूल बनाएगा और नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। तो ये जो पिगमेंट है लेग हीमोग्लोबिन, वो बिल्कुल सिमिलर होती है हीमोग्लोबिन के साथ, एंड इट हैज अबिलिटी टू कंबाइन वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड एक्ट एज अ वेरी ऑक्सीजन सॉरी एफिशिएंट ऑक्सीजन स्क्वेंचर। इसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि बहुत ही इजी वे में ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड कर लेता है। तो बच्चे ये है हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये वाले आपने बिल्कुल डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, और ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और ये वाली जो इन्होंने थ्योरी दी है बच्चे, आपने इस थ्योरी को इसी फॉर्म में लिखना, पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखना, आपने पॉइंट्स बना बना कर लिखने हैं। जैसे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हो गए, ऐसे आपने बर्डन्स वगैरह बना दिए, उसके सामने आपने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी बीच में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नजर आता है, तो अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी, जैसे रूट नड्यूल आ गया मेरे पास, बैक्टीरियोइड आ गया, आपने इसको प्रॉपरली वे में इसको अंडरलाइन करना है, जब आपने कोई एग्जाम देना हो या कोई क्लास टेस्ट हो, इससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपने कभी भी नहीं करना, पैराग्राफ की तरह नहीं लिखना इस क्वेश्चंस को, इस चीजों को, इस टॉपिक्स को, आपने बिल्कुल ध्यान से पॉइंट्स बनाने, और पॉइंट्स बनाते बनाते अगर किसी भी पॉइंट में कोई मेन इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, उसको आपने प्रॉपर अंडरलाइन करना है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे आप टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, अटेंड करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो इससे आपको क्या मिलेगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन, तो डेफिनेटली 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 में 4 एंड 5 में 5 भी आ सकते हैं, या 4.5, 3.5 क्वेश्चन का आ सकता है। तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।